मामा क्या था अगर आप जुबैर अंकल की तरफ चली जाती डेट फिक्स करने? जो जुबैर साहब है ना, इनका रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अजीब तरीके से बिहेव करता है इंसान। नवैरा का रिश्ता हमें देख के ऐसे कर रहा है जैसे हमारे सर पे कोई एहसान किया। मामा जिस तरह आप मुझसे और रिश्बा से मोहब्बत करती हैं, वैसे ही वो भी नवैरा से करते हैं। और अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी को सौंप देना कोई आसान काम नहीं होता, और वो बहुत प्रोटेक्टिव है नवैरा को लेकर। सब माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में प्रोटेक्टिव भी होते हैं और उनको रुखसत भी करते हैं, लेकिन इन लोगों का मैंने कोई नया रिवाज देखा है। जिनको बेटी दे रहे हैं उन्हीं को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, तो बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं और मुझे तो अपने बेटों की तरह समझते हैं। आप डेट फिक्स करने उनकी तरफ नहीं गई, बस फोन पर हुक्म सुना दिया, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उल्टा डिग्रेड तो हमने उनको किया। समान तुम क्यों फजूल की बहस करना शुरू कर देते हो हर बात के ऊपर? मैं बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे उसका अननेसेसरी एटीट्यूड पसंद नहीं है। कुछ रिश्ते ना मामा, मजबूरी के तहत भी निभाने पड़ते हैं। बेगम साहिबा, बाइट फारस साहब आए हैं। अच्छा, नवैरा का भाई। चलो तुम जाओ। भाई के ऑफिस से आए। खैर जो भी है, जब किसी के घर जाते हैं ना तो इस तरह रस्ते में नहीं खड़े होते। आने वाला गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। हेलो, फारिस साहब, फारिस साहब, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। जी। अरे फारिस, बड़ा प्रेजेंट सरप्राइज यार। सलामुलेकुम। सलामुलेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज सिट, बैठो। आंटी, ये बाबा ने मिठाई भेजी है। मिठाई? वो किसलिए? आई थिंक वो रस्म होती है, शादी की तारीख पक्की हुई है ना, मुझे तो मालूम नहीं है। अगर रस्म होती है फिर तो हमें भेजनी चाहिए थी। क्यों मामा? बेटा खामखा आपके बाबा और आपने तकल्लुफ किया। क्यों? तकल्लुफ की कोई बात नहीं आंटी, बाबा ने बहुत मोहब्बत से भेजी है। बहुत शुक्रिया यार अंकल का, और तुम्हारा भी। मुझे इतनी खुशी मिठाई की नहीं है जितनी इस बात की है कि तुम पहली बार हमारे घर आए हो। पहली बार आया है और खाना खाए बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। खाना लगवाती हूँ। आंटी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैंने जाना है कहीं। बिल्कुल भी नहीं, तुम खाना खाकर जाओ, ये होने वाले बनोई का हुक्म। और अंकल ने बताया होगा ना तुम्हें कि होने वाले बनोई का हुक्म हर हाल में माना जाता है। फिक्र ना करो, होने वाले बहनोई का हर हुक्म सर आंखों पर।